बेटा इसको हम लोग इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें हम लोग फोर्स इक्विलिब्रियम के साथ साथ टॉर्क इक्विलिब्रियम भी लगाते हैं। तो ये केस काफी वाइटल होता है। अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो वो इस कॉन्सेप्ट को बार बार यूज करेंगे कि आपको ये वाला टर्म एक साथ लगाना आता है कि नहीं, कि टॉर्क भी जीरो हो और नेट फोर्स भी जीरो हो। ये इसका टेक अवे होगा। अगर आप ये क्वेश्चन सीखे तो आप ये कॉन्सेप्ट सीखोगे। बेटा क्वेश्चन आपको समझ आया? हमने सिंपली एक लैडर को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। अब हमें जानना है कि ये मिनिमम एंगल क्या होगा एट विच लैडर डज नॉट स्लिप। देखो बेटा, हम लोग ऐसे ऐसे करते जा सकते हैं कि लाइक ऐसे रखोगे तो आपको कॉमन सेंस से पता है स्लिप नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे एंगल को डिक्रीज करते जाओगे यू कैन फील ये स्लिप कर सकता है बेटा। और ये हमारी कॉमन सेंस भी कहती है, ऑब्जर्वेशन भी कहता है। अब हम लोग ना जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम अपनी कॉमन सेंस को मैथमेटिकल कोटिंग देते हैं। नेचर में जितने भी लॉज हैं हम उनको मैथमेटिकली डिफाइन कर देते हैं, वही फिजिक्स हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ये थीटा मिनिमम क्या होगा सो दैट द लैडर डज नॉट स्लिप। अब बेटा स्लिप करते वक्त यहाँ पे वेलोसिटी आने की कोशिश होगी, अगर आप समझ पा रहे हो तो। चलो इसका एफबीडी बना के शुरुआत करते हैं। देखो बेटा ये क्रिटिकल है, अगर आपको ये डेटा, इससे एंगल डिफाइन होगा इस क्वेश्चन में। बेटा मैं इसी पे एफबीडी बनाता हूँ, आप लोग कॉपी पेन पे बनाना स्टार्ट करो। बेटा इस लेडर के मिड पॉइंट से, मतलब अगर टोटल लेंथ एल है तो यहाँ से एल बाई टू ऐसे करके सेंटर ऑफ मास से सीधे एम जी नीचे लो। एफबीडी में हम लोग क्या क्या बनाते थे बेटा? कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स आपने एम जी बना दिया, अब कांटेक्ट गिनो। कांटेक्ट 1, कांटेक्ट 2। हमेशा जितने नंबर ऑफ कांटेक्ट हैं जनरली आप उतने नॉर्मल रिएक्शन बना सकते हो, सिर्फ कुछ जगह एक्सेप्शन आता है अदरवाइज। अब देखो फ्रिक्शन हम जरूरत के हिसाब से लगाते हैं। आपको दिया हुआ है स्मूथ वॉल है, देखो हर चीज डेटा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन हम नहीं लेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे जब ये स्लिप करने की टेंडेंसी शो करेगा तो एक फ्रिक्शन भी आएगा जो उसको रोकेगा इस तरफ। तो अगर आप इस चीज का एफबीडी बना लोगे तो आपको ये डायग्राम ऐसे कुछ दिख रहा होगा। ये रॉड है, एम जी नीचे आया, ये फ्रिक्शन रोक रहा होगा एन वन को। एम जी किससे कैंसिल हो रहा होगा बेटा? एन टू से। सोचो बेटा हमें फोर्स इक्विलिब्रियम भी सोचना है, टॉर्क इक्विलिब्रियम भी सोचना है। अब आपको थीटा मिनिमम पे इतना तो कॉमन सेंस लगना पड़ेगा कि फोर्स मैक्सिमम होगा। क्या ये बात आपको समझ आई? हमेशा मैकेनिक से क्वेश्चन करते वक्त एक विजुअलाइजेशन, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बेटा बहुत जरूरी है। यहाँ तक समझ आया बेटा? अब देखो बेटा बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे सोचते हैं कि सर एक बार तो आपने टॉर्क सेंटर ऑफ मास पे लगा दिया था या अबाउट लगा दिया था, और कभी आप सी टू पॉइंट जहाँ पे लिखा है वहां लगा देते हो, कभी सी वन पे लगा देते हो। बेटा टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो, बट कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम ऐसे पॉइंट को चुनते हैं जानबूझ के जहाँ पे सारे फोर्सेस पास कर रहे हो। जैसे मान लो अगर मैं ये पॉइंट चुनूंगा टॉर्क निकालने के लिए, दिस पॉइंट सी टू, तो वहां से दो फोर्स पास कर रहे हैं एन टू और एफ, तो ये दोनों टॉर्क नहीं लगा पाएंगे, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कम बनेंगी, मैं खुश रहूंगा। लेकिन मान लो यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालता तो एन टू भी लगाता, एफ मैक्स भी लगाता, एन वन भी लगाता, तो ज्यादा टर्म लेने पड़ते, तो वो कॉमन सेंस की वजह से मैं सी टू पॉइंट के अबाउट लूंगा। अच्छा पहले हम लोग फोर्स इक्विलिब्रियम लिखते हैं। हम बेटा फोर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझते हैं? देखो इनको हमेशा याद रखना, इक्विलिब्रियम में हमें दो पैरेलल चीजें करनी पड़ेंगी, एक फोर्स वाइज और एक टॉर्क वाइज। आपको ये बात समझ आई? अब देखो पहले हम लोग इस एफबीडी से देखें तो एन वन विल बिकम एफ मैक्स,
सेकंड पे आते हैं बेटा, एम जी विल बिकम एन टू। देखो बेटा एक और चीज सोचो, मुझे जो ये फ्रिक्शन है ना एफ मैक्स, ये एन टू के दम पे मिल रहा है, तो एफ मैक्स का मैग्नीट्यूड जो होगा बेटा वो एन टू की वजह से आएगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन इज म्यू इन टू एन, म्यू आपको दे रखा है 0.375। देखो तो 0.375 इंटू एन टू आपने इक्वेशन लिख ली बेटा। अब देखो हमारे पास अननोन कितने हैं, एन वन अननोन है, एन टू अननोन है, हमारे पास दो अननोन है, और हमारे पास नोन क्या है बेटा, देखो मास तक नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ एक म्यू दे रखा है, तो अभी हमारा काम चलेगा नहीं। अब चाहो तो एन टू को यहाँ पुट कर दो बेटा, वी कैन पुट एन टू हेयर विथ एम जी, लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो हमको अब टॉर्क इक्विलिब्रियम भी लगाना पड़ेगा। मैं अगर यहां तक पहुंचा तो इसको मैं और अच्छा बना सकता हूं बाई पुटिंग एम जी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं टॉर्क इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट भी लगाऊं। हमने फोर्स इक्विलिब्रियम लगा दिया बेटा, सारा का सारा हो गया। अब टॉर्क इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि सी टू के अबाउट, बेटा मैं कलर चेंज कर देता हूं, सी टू के अबाउट देखता हूं इसका टॉर्क तो जीरो है, इसका टॉर्क भी जीरो है, एम जी से परपेंडिकुलर दूरी देखता हूँ बेटा। देखो अगर मैं एम जी से परपेंडिकुलर दूरी देखूं तो मुझे ये दूरी मैटर करेगी, ये वाली बेटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी देखते हैं। तो बेटा देखो ये लेंथ एल बाई टू है यहां से यहां तक, और ये इसका बेस आ गया ट्रायंगल का, तो ये हो जाएगा एल बाई टू कॉस थीटा। तो मुझे मिल गया कि एम जी का टॉर्क कितना लगेगा। बेटा देखो पहले इक्विलिब्रियम लगा रहे हैं तो ऐसे लगा लेते हैं कि एम जी ऐसे घुमाना चाहेगा और एन वन, बाकी एन टू और एफ तो लगा नहीं पाए, एन वन ऐसे घुमाएगा और यही दोनों बैलेंस करेंगे। एन वन एंड एम जी का टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेगा। टॉर्क ऑफ एन वन मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ एम जी। बेटा यहां तक समझ आ रहा है आपको, एन वन का टॉर्क कितना होगा बेटा बताओ, बेटा आप लोग चाहो तो प्लीज अपनी वीडियो ऑफ कर सकते हो, वो अपने आप पिन हो जाती है। टॉर्क ड्यू टू एन वन कितना होगा बेटा, देखो एन वन से परपेंडिकुलर दूरी देखोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगी सी टू पॉइंट पे। देखो बेटा इस फोर्स को आगे लाओ और इस पॉइंट से दूरी देखो सी टू से, ये परपेंडिकुलर दूरी मिलेगी, तो आप टॉर्क ड्यू टू एन वन बोलोगे सर एन वन इंटू ये वाली लेंथ, और अगर आप इस लेंथ को देखोगे तो ये बन जाएगी एल साइन थीटा। अब एम जी का टॉर्क कितना है बेटा, एम जी का एम जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कौन सा लोगे, परपेंडिकुलर वाली, और ये हमारी आई थी ये वाली एल बाई टू कॉस थीटा। बेटा देखो ये परपेंडिकुलर दूरी है, ये लगा लिया हमने टॉर्क बैलेंस। अब देखो मेरा ऑलरेडी, देखो मेरी क्या क्या चीजें इक्वेट कर सकता हूँ, मुझे पता है कि ये मेरे लिमिटिंग केस वाला, मतलब मेरा फ्रिक्शन मैक्सिमम तब होगा जब जब मेरा फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तो वो थीटा मिनिमम ही मिलेगा, इससे कम थीटा करने पे बेटा, इससे कम थीटा करने पे बॉडी गिर जाएगी, स्लिप कर जाएगी, ये वेलोसिटी आ जाएगी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी टू पे। तो अब बस मेरे को वैल्यू पुटिंग बची हुई है बेटा, मैं एन वन को पुट कर देता हूँ यहाँ पे, मुझे मिल जाएगा एफ मैक्स, बेटा आप एल एल काट सकते हो, आपको मिल जाएगा एफ मैक्स इंटू कॉट थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और आपका एल एल कट गया तो एम जी बाई इतना आ गया बेटा। अब आप चाहो तो देखो एन टू की जगह यहाँ पे एम जी चिपका दो, 0.375 इंटू एन टू की जगह एम जी लिख दो, और एफ मैक्स की जगह यहाँ पे एम जी बाई टू इंटू कॉट थीटा लिख दो बेटा।
देखो एम जी, एम जी कैंसिल हो जाएगा बेटा, हमें कॉट थीटा की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, 0.375 × 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा बताओ। सिर्फ कॉट इनवर्स 0.75। हाँ तो कितना आ जाता है बेटा, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये नोन वाला है ना। 0.75 कितना होता है बेटा बताओ, कॉट इनवर्स 0.75। 3/4, सर 3/4, 3/4। हाँ बच्चा देखो, आप लोगों को स्टार्टिंग क्लासेस में बताया गया था जब थीटा 3, 4, 5 टाइप कर रहा है तो ये थीटा कितना हो जाएगा 37 डिग्री, और ये वाला थीटा कितना हो जाएगा 53 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। तो अब बताओ अगर कॉट इनवर्स 0.75 आ रहा है दैट मीन्स थीटा हमारा कितना होगा। 53 डिग्री। गुड बेटा, 53 डिग्री आंसर है बेटा। आपने होप ये समझाओ कि अब क्वेश्चंस के देखो, जब हम लीनियर मोशन पर तक पढ़ रहे थे तब तक फोर्स इक्विलिब्रियम बड़ी बात थी, अब बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं इसके लिए हमें फोर्स को भी बैलेंस करना है और टॉर्क को भी। तो प्लीज बेटा आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना, कैलकुलेशन ये सब आपको खुद ही करनी पड़ेगी ज्यादा ज्यादा, जितनी ज्यादा करोगे एग्जाम में आपकी स्पीड उतनी तेज रहेगी। अब प्लीज ये कॉन्सेप्ट अपने साथ लेके जाना। और बेटा ऐसे काफी सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो इसी वॉल वाले क्वेश्चन में इस तरह से बोल सकते हैं कि रॉड ऐसे खड़ी हुई है, और बेटा धीरे धीरे जैसे अब इसी कॉन्सेप्ट को उठा के और इसी लेंथ दे देंगे कि समथिंग 3/4L है, तब कैसे करोगे, तब नॉर्मल एक्शन कैसे लोगे, क्योंकि ऐसे रखने पे हमें नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लेना पड़ेगा। तो बेटा क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कई सारे कर सकते हो, आपको मॉड्यूल में एग्जांपल्स में मिल जाएगा, एस सी वर्मा के एग्जांपल्स में मिल जाएगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चंस, और आप कहीं से भी ट्राई करो तो 2 से 3 टॉर्क इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन ट्राई कर लेना बेटा। ये वॉल टाइप का है और इस केस में थीटा आपको कोई लेंथ की इंफॉर्मेशन देके पूछ लेता कि थीटा मिनिमम कितना होगा। अब बेटा मैं नेक्स्ट कैटेगरी पे आता हूँ, बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया। यस सर। बेटा ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं नहीं करा रहा, पर आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं अगर आपको 2 मासेस दे दूँ तो आपको इनका एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए और इस पुली का अल्फा। क्या ये चीज क्लियर है बेटा, मैं नहीं कराऊं कि मैं करा दूं आप बताओ, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन किए थे, हमें इसका इसका और इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा, पुली पे हमें कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी बेटा टॉर्क की, दोनों मासेस पे हमें कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, और रस्सी को देखो रस्सी का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो इस केस के लिए हम ए इक्वल टू आर अल्फा डायरेक्टली ले सकते थे अगर आपको याद हो तो। बेटा क्या ये क्वेश्चन मैं स्किप कर दूं, आपको ये घर पे करना है, जिन बच्चों को ये नहीं आता है बेटा ये इंपॉर्टेंट केस है। बेटा बताओ मैं करवा दूं क्या, मुझे 2 मिनट लगेगा सिर्फ, नो सर, पक्का नहीं सर, हो मैं जाएगा। ऑलरेडी करा चुका हूँ बेटा ये केस, बस आप यस निकाल लेना बेटा। और प्लीज बेटा ये केस इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझो कि वो समझते हैं कि ये लेवल आप लोग का है, वो इसी टाइप के क्वेश्चन देना चाहते हैं आपको। अब बेटा मैं आता हूं आज के टॉपिक पे, बेटा आपको इमेज में क्या दिख रहा है इंटरेक्ट करके बताओ। बेटा आपको एक व्हील दिख रहा है जिसको रोल करा दिया गया है और हाई स्पीड में है, और किसी ने उसकी फोटो खींची है। अब व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन बताओ बेटा, बेटा फोटो ही गंदी है, पूरी फोटो ही ब्लर है, बट यू कैन सी द स्पोक्स ऑन द अपर साइड आर लेस विजिबल, वो थोड़ा हीरी हीरी दिख रहे हैं, और नीचे वाले आर विविडली विजिबल, ऐसा क्यों हो रहा होगा बेटा।
सर बॉडी स्पीड में रोटेट कर रहा होगा सर। हाँ तो फिर एक ही तो बॉडी है, ऊपर वाली क्यों दिख नहीं रही है, नीचे वाली दिख क्यों रही है? चलो जवाब तलाशते हैं, ठीक है। सपोज मैं किसी भी जगह पे एक टायर को रोटेट कराता हूँ बेटा, या आप कुछ व्हील टाइप समझ लो, रोटेट कराएंगे टायर या व्हील को किसी को भी। आप जरा ऑब्जर्वेशन देखो, लेट अस सी, कुछ अलग अलग पॉइंट्स के नाम हम दे रहे हैं। हमने इसका सेंटर रखा, इस पॉइंट का P1 रखा, इस पॉइंट का P2 रखा, यहाँ पे इसका P3 रखा, और ये जो जमीन को टच कर रहा है इसको मैंने P4 बोला। अब मुझे कहीं से, जब मैं यहाँ, ये सपोज किसी कार का टायर है, बेटा देखो होता क्या है, सपोज आप अभी क्या देख क्या रहे हो, आप रोड साइड पे ऐसे खड़े हो और एज ए ऑब्जर्वर आप किसी कार के टायर को या नॉर्मल टायर को आगे जाते देख रहे हो, तो आप बोलो सर ये टायर का जो सेंटर को देखता हूँ, जब मैं सिर्फ सेंटर को ऑब्जर्व करता हूँ तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ सपोज 5 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड कुछ है, मान लो VCO में लिख देते हैं इसको, और एक बच्चे को मैं यहाँ बैठा देता हूँ ऐसे सेंटर पे जाके, बिल्कुल टायर के सेंटर पे, बोलता है सर मैं तो P2 को घूमते देख पा रहा हूँ, गोल 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 गोल, ओमेगा स्पीड, एंगुलर स्पीड बेटा। उसको कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन मिल रहा है बेटा, तो वो P2 से पूछते हैं, दोस्त P2 तुम्हारी स्पीड क्या है इसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओमेगा हमें देखो बेटा, अगर एक पंखा घूम रहा है तो सेंटर पे खड़े होकर देखो तुमको ओमेगा समझ आता है, तो ये जो ओमेगा है ये हमको यहाँ पे दिख रहा है, इसको सेंटर पे खड़े होकर दिख रहा है। तो जब तुम सर्कुलर मोशन पढ़े थे तो सेंटर वाला बंदा बोलता, अगर सपोज यहाँ पे एक बंदा खड़ा होता सेंटर पे, वो बोलता दोस्त तुम्हारी स्पीड P2 की स्पीड ओमेगा आर है, P1 को भी यही बोलता है दोस्त तुम्हारी भी ओमेगा आर है। बेटा मैं बस ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, वी इक्वल टू ओमेगा आर फ्रॉम सर्कुलर मोशन। अगर हमारा वो टायर या एक्सिस फिक्स्ड है तब हम लोग वी इक्वल टू ओमेगा आर रखते हैं। P3 के लिए ये चिल्ला देता सर देखिए ऐसे ओमेगा आर होती, और P4 के लिए हम चिल्ला देते कि सर देखो पीछे जाएगी ओमेगा। अब ये बंदा जो सेंटर पे वो खुश है, बोला सर देखो मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल है, अगर मैं आर देखूंगा और ओमेगा देखूंगा, ओमेगा पूरी बॉडी के लिए एक ही होता है तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, वो बोल देगा ऐसा। पर जो अर्थ पे खड़ा आदमी है वो बोलेगा यार थोड़ा मजा नहीं आ रहा, तुम मुझे बताओ P2 की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी है। तो उसको किसी ने बताया ऐसे देख लो भाई सेंटर की तो वेलोसिटी दे रखी है ना तुमको, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर देखो, या देख लो वेलोसिटी ऑफ P2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर प्लस वेलोसिटी ऑफ द सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। याद करो P2 इधर, अर्थ इधर, और बीच में सेम चीज कॉमन होनी चाहिए। तो बेटा यहां तक सब सही लग रहा है, तो आओ इसको पिक्चर में डालते हैं। जब मैंने P2C देखा तो इसका मतलब है P2 की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर बेटा, तो वो मुझे पता है सेंटर पे बैठ के मुझे ओमेगा आर दिखती, तो मैं यहाँ पुट कर देता ओमेगा आर। बेटा अगर वेक्टर की इज्जत करें और इधर मैं आई लिखूं और इधर मैं जे लिखूं ऐसे आ जाता, तो सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है बेटा देखो VCOM, यानी मैं ऐसे लिख देता VCOM आई, दोनों आई में है बेटा दोनों पॉजिटिव है, जो P2 बोलेगा मेरी तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तुम देखो मेरी वेलोसिटी कितनी है, वो बोलेगा देखो ओमेगा आर प्लस VCOM इतनी मेरी मिला के वेलोसिटी है,
P4 बोलेगा देखो यार मेरे साथ क्या हो रहा है, P4 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, P4 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब बेटा जब इसे पुट करोगे तो P4 के बाद देखो दो वेलोसिटी हो गई, P4c कितना था, यानी P4g विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ओमेगा r पीछे की तरफ, यानी माइनस ओमेगा r i, और ये प्लस VCOM। अब बेटा अगर मैं थोड़ी देर के लिए मानू कि VCOM बड़ा है, VCOM माइनस ओमेगा r, क्या तुमको ये बात महसूस हो गई कि सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी अलग अलग होगी? देख लो बेटा, टेक योर टाइम, हमने एक बॉडी जो रोल भी कर रही है, और मतलब वो रोल करते हुए आगे बढ़ रही है, मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ बेटा ट्रांसलेशन क्या होता है, जब सेंटर ऑफ मास मूव करे, रोटेशन हम किसको बोलते थे, जब तुम गोल गोल घुमाओ। तो बेटा अगर हम टायर का मूवमेंट देख रहे हैं तो इसे कॉम्बिनेशन ना, वो गोल गोल भी घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है। आपने सेकेंड पॉइंट अभी देखो बेटा, थोड़ी देर से जो हम बोल रहे हैं उसका मकसद क्या है, आपने एक पॉइंट ऑब्जर्व किया कि जब हम अर्थ के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो एवरी पॉइंट ऑफ द डिस्क और द टायर इज बिहेविंग डिफरेंटली, दे ऑल हैव डिफरेंट वेलोसिटी, और वही ये इमेज दिखा रहा है बेटा। देखो अब तो फोटो आप लोग के मोबाइल में जो कैमरे हैं 48 मेगापिक्सल या 60 मेगापिक्सल आते हैं, लेकिन बेटा पहले के ज़माने में उतना अच्छा पिक्सल्स नहीं होते, तो जब फोटो खींचते थे तो जो स्लो चीज़ है उसकी अच्छी आ जाती थी, लेकिन जो फास्ट मूविंग चीज़ है उसकी स्पीड मतलब उसका ब्लर आ जाता था। तो वही आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया है, मैं देख पा रहा हूँ कि ऊपर वालों की वेलोसिटी ज़्यादा है और नीचे वालों की कम है। बेटा क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि डायग्राम आपको क्या कन्वे करना चाहता है? Yes, sir. तो मैं आपको इस पे क्वेश्चन देता हूँ, प्लीज करके दिखाओ। आप लोग प्लीज क्लास में ये क्वेश्चन करो, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 10 मीटर पर सेकंड है, ओमेगा इज 2 रेडियंस पर सेकंड, तो इस पॉइंट पी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओमेगा भी दे रखा है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी दे रखा है बेटा आपको, आपसे पूछा है पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालो। सर रेडियस, हाँ सॉरी माय मिस्टेक बेटा, मैं दे रहा हूँ, आप रेडियस को 2 मीटर रिज्यूम कर लो, करो बेटा। बेटा याद रखना जो बच्चा वेक्टर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, फिजिक्स उसको पलट के चाटा मारता है, आपको वेक्टर्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आप लोग कर रहे हो कि बेटा मैं हिंट दूं बताऊं? नो सर, एक बार यहाँ पे सी लिख लो और फिर इक्वेशन लिखो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर प्लस सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, वैल्यू पुटिंग करो, आपका आंसर आना चाहिए। सर रूट 156 मीटर पर। आपका आंसर कितना है बेटा? सर रूट 156 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, बाकी का भी वेट कर लेते हैं, चेक करते हैं कितना है। बेटा शायद कई बच्चों का सेम आ रहा है, सुरजीत का भी सेम आया है, गुड बेटा। बेटा कैलकुलेशन एक ऐसी चीज़ है ना,
जिसमें बच्चे को इतना ज्यादा करना चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में उसके पेन स्मूथ चले, दिमाग में 90% कैलकुलेशन हो। जो बच्चे कैलकुलेशन को ना किसी और पे, जैसे एग्जाम्पल पढ़ते वक्त वो सोचते हैं कैलकुलेशन खुद बुक नहीं कर दी, या वो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, मोबाइल यूज कर लेते हैं, तो बेटा वो अपने पोटेंशियल के साथ इनजस्टिस करेंगे एग्जामिनेशन में। जो बच्चा 300 में से 270 ला सकता है, वो कैलकुलेशन किसी और पे डिपेंडेंट होके वो बच्चा 170 लेते आता है। पर आप बेटा देखोगे जो बच्चा ये सब बातों को इग्नोर करेगा ना, काफी छोटी छोटी मगर मोटी बातें रहती हैं बेटा, अगर आप बाद में समझोगे तो। देखो बेटा हमें करना क्या था इस केस में, बेटा एक बच्चे का आंसर अलग भी आ रहा है, बेटा मैं अभी चेक कर लेता हूँ, आप लोग कैलकुलेशन देखना। देखो आपको ये बात समझ आनी चाहिए थी कि ओमेगा आर इस तरफ बनता, ऐसे बनता बेटा। हमेशा याद रखना बेटा, जब वी इक्वल टू ओमेगा आर कहते हैं तो ओमेगा आर इज ऑलवेज टेंजेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। अब देखो तो पॉइंट पी के पास दो वेलोसिटी हैं, देखो एक पी सी मतलब पॉइंट पी की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर दैट इज ओमेगा आर, और ये वाला, और बेटा ये वेक्टर्स में है याद रखना, ओमेगा आर प्लस सेंटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये तो आप डायरेक्टली टेन आई लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये भी वेक्टर है। तो समझदार बच्चा क्या करता, पहले ओमेगा आर निकाल लेता 2 × 2 = 4। अब वो बोलता कि सर पी के पास दो वेलोसिटी हैं, एक ऐसे आ रही है ओमेगा आर और एक ऐसे जा रही है 10, तो मुझे अगर ये एंगल पता लग जाए तो मेरा काम बन जाए। तो बेटा खुद देखो ना कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ तो ये 30 है तो मुझे ये भी 30 मिलता, तो बेटा ये एंगल 60 मिलेगा। तो मुझे समझ आ गया कि ये क्वेश्चन है ओमेगा इंटू आर था 4, देखो बेटा रेडियस 2 है ओमेगा 2 है, तो ये है 4 और ये है 10 और एंगल है 60 डिग्री। तब हमारा आंसर आ जाता सिंपली 10² + 4² बेटा। हमें इतना समझ कर चल रहा हूँ कि रिजल्टेंट निकालना सबको आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2 × 10 × 4 × cos 60 दैट इज 1/2 बेटा। अब बेटा मैं इसके बाद छोड़ दे रहा हूँ, आई होप आप लोग कैलकुलेशन कर लोगे। बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करें, बेटा यहाँ तक आपको समझ आ गया क्या, मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ये डायग्राम आपको दिख रहा है बेटा, ये वाला? यस सर। इससे आपने क्या विजुलाइज किया बताओ, एक साइक्लोसाइड बन रहा है, ये मैग्नेटिज्म में भी बनेगा ये सब डायग्राम, बट आप मुझे बताओ ये क्या ऑब्जर्व किया आपने इससे? अगर मैं किसी टॉप मोस्ट पॉइंट को देखूं तो वो सर्कुलर मोशन नहीं करता है, वो ऐसे चलता है बेटा। बेटा जब वो यही क्वेश्चन जब जेई मेंस के अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए या नीट के जो लॉजिकल क्वेश्चन बनाना हुआ या जेई एडवांस में खूब सारे मल्टीपल चॉइस बनाना हुआ, तो ऐसे ही बोल देंगे पॉइंट पी ऑफ द टॉप परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, तो बच्चे वहाँ टिक करके आ जाते हैं। आपको मेरी बात समझ आई बेटा? आपसे वो बहुत टफ नहीं कराना चाहते, पर वो ये चाहते हैं कि आप सोचने लायक बनो। बेटा यहाँ तक समझ आ गया आपको, आगे बढ़े? अच्छा मुझे आपको केसेस कराने हैं, मैं डायरेक्टली नीचे आता हूँ और या एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ और आपको मैं केसेस करा देता हूँ। जैसे एक बच्चा बोलता है सर अगर मैंने एक ब्लॉक को ऐसे फेंक दिया है वेलोसिटी देखे, अभी बेटा इसमें ओमेगा नहीं था, ओमेगा 0 है, मैं चाहता हूं तुम साथ में फील करो, तुमने एक डिस्क को एक सीधी लीनियर वेलोसिटी देखे फेंक दिया और ओमेगा नहीं था उस समय। अब तुम मुझे बताओ अगर ग्राउंड रफ है, इफ द ग्राउंड इज रफ,
इफ द ग्राउंड इज रफ, फ्रिक्शन कहां लगेगा? हाउ वुड यू नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? हमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे पता चलेगा? फ्रिक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मोशन अवॉइड करना चाहता है. तो अगर मैं लोअर मोस्ट पॉइंट की स्पीड देखता हूं, देखो बेटा इस टी इक्वल टू जीरो पे आप सोचो जरा, देखो आप जो जो चीज याद करके करना चाहोगे वो आपको हमेशा तकलीफ देगा. आपको फ्रिक्शन पढ़ाते वक्त मैंने बोला था पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जाके बैठ जाओ, यहाँ जाओ और पूछो दोस्त क्या हो रहा है, इसके बारे में पूछो. तो आप मुझे बताओ अगर मैं इस पॉइंट का नाम पी रख रहा हूँ तो वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यही तो हमें चाहिए. सेंटर की खुद की वेलोसिटी कितनी है? वी आई, अगर मैं इस डायरेक्शन को आई मान लूं तो. और बेटा मैं इस डायरेक्शन को जे मान ले रहा हूँ. पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, बेटा सेंटर अभी तो ओमेगा बॉडी घूम नहीं रही है, अभी जस्ट तुमने डिस्क को सीधे फेंक दिया ऐसे, जैसे ऐसे आपके सामने एक कुछ था बोर्ड टाइप का और आपने एक डिस्क को सीधे ऐसे भेज दिया. अभी इसके ऊपर गिरेगा, उसके बाद कुछ ओमेगा स्टार्ट होगा, तो पी सी ओमेगा आर जीरो है. तो अब बताओ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या कर रहा होगा? इस पॉइंट की भी वेलोसिटी आपको आगे मिल गई वी आई. क्या आपको ये बात समझ आ गई? अब बेटा फील करके बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे या पीछे? सर पीछे. इस केस में फ्रिक्शन पीछे लगेगा. तो बेटा प्लीज रट्टा मत मारना कि सर कार चलती है तो फ्रिक्शन आगे होता है. हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जाके ऑब्जर्व करो और फिर अपना जवाब दो. इस केस में फ्रिक्शन पीछे लगा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में फ्रिक्शन पीछे लगा. बेटा देखो हम आगे बढ़ते हैं. इसी केस में मैं ऐसे बोलता कि आपने एक डिस्क लिया और खूब घुमा के, खूब मस्त घुमा के जमीन पे छोड़ दिया. अब इसको कोई ऐसी वेलोसिटी नहीं दी. बेटा अगर आपने कभी भी क्रिकेट खेला है तो आप सोचो ऐसे बॉल को टर्न करा के ड्रॉप कर दो, जस्ट फिंगर से बॉल को टर्न करा के वहीं पे ऐसे ड्रॉप कर दो. द बॉल विल बी हैविंग ओमेगा बट देयर वोंट बी एनी वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन. ग्रेविटी की वजह से नीचे तो गिरेगा लेकिन उसके पास एक्स में कोई वेलोसिटी नहीं होगी. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताओ? फिर आगे लगेगा. अब तुम लोग का दिमाग चमक रहा है. देखो बेटा मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जाऊंगा और सोचूंगा दोस्त तुम्हारे पास दो वेलोसिटी होती है नीचे, सबसे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बाद दो वेलोसिटी होती है. अगर आप पी को निकालोगे हमेशा तो आपको ऐसे मिलेगा कि सर हमारी वेलोसिटी पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर प्लस सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू कौन? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. और इसको वी पी सी को हम ओमेगा आर कहते हैं. तो बेटा यहां तक हमको कैच करना चाहिए, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है, ये वाला जो पी अर्थ को टच कर रहा है, हमेशा उसके पास ऐसी वेलोसिटी होगी वी स्वयं आई और ओमेगा आर माइनस आई. अगर मैं मान के चल रहा हूँ ओमेगा हमेशा मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ तो यानी बेटा और सिंपल भाषा में बोलूँ तो पॉइंट पी की वेलोसिटी है वी माइनस ओमेगा आर. अब जब वी जीरो है स्टार्टिंग में तो ओमेगा आर पीछे है, ओमेगा आर भी तो बेटा मीटर पर सेकंड में ही आता है, यानी मैं कहना चाहता हूँ कि पॉइंट पीछे की तरफ जाना चाहता है वेलोसिटी लेके ओमेगा आर. तो बेटा अब बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे लगेगा? बेटा क्या यहाँ तक क्लियर है सीन? जी सर. तो आप किसी भी समय रट्टा मारने की जगह कि किसी केस में सर फ्रिक्शन आगे लगेगा पीछे लगेगा, प्लीज बेटा ये सब करने की जगह पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को स्टडी करो. वो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पास करेगा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा. अब मान लो मैं आपको तीन केस देता हूँ. ये तो कुछ स्टार्टिंग वाले केस थे कि अगर मैंने रोल करके छोड़ दिया या मैंने सिर्फ लीनियर वेलोसिटी देके छोड़ दी. बट बेटा कई बार ऐसा होता है कि सपोज एक बच्चा है
और उसका जो बाइक का टायर है ना वो कीचड़ या किसी ऐसी जगह फंस गया जहां ये रोड मतलब घूम बहुत तेजी से रहा है, बट टायर को आगे बढ़ने की स्पीड बहुत कम है। बेटा कभी आप सैंड में ना ऐसा सोच लो, अब कार या बाइक चला रहे तो घूमती बहुत तेज है बेटा, ओमेगा कई बार बहुत तेज हो जाता है, वी बड़ा लो रहता है। जब कांटेक्ट पे आओगे ना तो बेटा ओमेगा आर बहुत तेज और वी छोटा सा। तो अब इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सोचो हमने क्या करा रहे हैं, मोशन इस समय कहाँ होगा, बॉडी तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी बताओ, सेंटर ऑफ मास तो आगे जा रहा है ना, देखो बॉडी तो आगे जाएगी पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बताओ। जब मेरा ओमेगा आर ग्रेटर देन वी होगा तब उस केस में आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाके बोलोगे दोस्त तुम्हारी वेलोसिटी ओमेगा आर माइनस वी है, अब बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे की तरफ ओके याद रहेगा ठीक है। इट्स लाइक रोलिंग मोर देन स्लाइडिंग। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम बहुत तेजी से वेलोसिटी शो कर रहे हो, स्लाइडिंग हो रही है ज्यादा और रोलिंग कम हो रही है, ये लो है। आप ऐसे बेटा प्लीज नोट्स थोड़ा अच्छे से बनाना, केस वन केस टू इस केस में बता रहा हूं कि आपका ओमेगा आर काफी छोटा है वी से। अब बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब पहुंचोगे तो वी बड़ा है और ओमेगा आर छोटा है, यानी वी बड़ा है ओमेगा आर छोटा है, तो बेटा आपको नेट वेलोसिटी कहाँ मिलेगी, आगे की तरफ कितनी मिलेगी, वी माइनस ओमेगा आर। फ्रिक्शन कहाँ मिलेगा तब बताओ बेटा, पीछे। पीछे अब बताओ इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मोर देन रोलिंग। बेटा प्योर स्लाइडिंग में ओमेगा जीरो हो जाएगा ठीक है, आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, आप ऐसे जल्दीबाजी में आंसर नहीं देते रहते कि फ्रिक्शन आगे लगेगा पीछे लगेगा, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी देखनी है। एक केस जो आपके कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार हर जगह पूछा जाता है, दैट्स कॉल्ड प्योर रोलिंग, और ये थर्ड केस है। प्योर रोलिंग में क्या होता है, जैसा बेटा आप लोग नॉर्मल लाइफ में देखते हो, ये जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है और ये जो ओमेगा होता है, अगर हम रखते हैं तो वी सी एम इक्वल टू ओमेगा, दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। अब बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को देखोगे तो इधर वी लगा और इधर ओमेगा लगा और दोनों बराबर हैं, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कॉन्टेक्ट बताओ, जीरो। प्योर रोलिंग के केस को जब तुम ऑब्जर्व करोगे ना तुम ऐसे मिलेगा वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी वी, और इधर टू वी मिल जाएगी, करके देख लो बेटा टू वी या टू ओमेगा, ये प्योर रोलिंग वाला केस है। बेटा क्या आपको ये बात समझ आ गई, आप मुझे बताओ प्योर रोलिंग में अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा या नहीं लगेगा, सर पीछे की तरफ लगेगा। क्यों लगेगा, वो तो कहीं पॉइंट जाने नहीं चाहता, जब टेंशन और मोशन नहीं होंगे फ्रिक्शन क्यों आएगा। सर अगर सर पीछे नहीं लगे तो फिर वो मतलब बॉडी घूमेगा कैसे सर? अच्छा रुको मैं कुछ चीज़ें और पूछता हूँ आपसे और फिर मैं सबका आंसर देता हूँ। अच्छा ये जो फर्स्ट टू केसेस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मोशन कर रहा है ना, देखो वेलोसिटी है ना वी माइनस ओमेगा आर सही, ओमेगा आर माइनस वी सही है ना, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा इन दोनों केसेस में, काइनेटिक या स्टैटिक। तो सर काइनेटिक काइनेटिक आप लोग को सोचोगे नहीं, डायरेक्टली क्या लिख दोगे, सर एफ जब भी एफ यूज करोगे म्यू इनटू एन, कोई दिमाग नहीं ठीक है।
बात समझ आई? अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे रहता है तो ये बड़ा दर्द वाली बात है। क्यों? अगर ये रेस्ट पे है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तब कौन सा फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा बेटा? स्टैटिक। स्टैटिक। और स्टैटिक बहुत चंचल होता है। प्योर रोलिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस बेटा। अच्छा मैंने पॉइंट्स में लिख रखा है बेटा, आप वहां से नोट करो। प्योर रोलिंग को मैं आपको डायग्राम वाइज भी दिखाता हूँ जो मैंने बताया है। रुको मैं और अच्छे से समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो इसको ना ऑब्जर्व करो थोड़ा सा। प्योर रोलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, यही घूम घूम के पूछेगा, इसी पे आपके वो सारे क्वेश्चन बनाना चाहता है प्योर रोलिंग पे। प्योर रोलिंग को आप लोग इतने टर्म्स में बता सकते हो ना, प्योर रोलिंग इज नॉट ऑलवेज वी इक्वल टू ओमेगा आर, वो आपको बहुत तरीके से बोल सकता है ये चीज। वो आपको ये वेलोसिटीज की वैल्यू देके बोल सकता है, वो इसी चीज को प्योर रोलिंग की डेफिनेशन ऐसे भी दे सकता है। देखो बेटा वो बोल देगा कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए है, और प्योर रोलिंग की डेफिनेशन ये भी आती है कि अगर हमारा प्योर रोलिंग टाइप का आपको दिख रहा है तो आपको सेंटर के रिस्पेक्ट में इन सब पॉइंट्स का एक्सेलरेशन, सेंटर के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आर अल्फा दिखेगा अगर ऐसे जा रहे हैं आर अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो आप एक्सेलरेशन में भी याद रखोगे कि सर ने बताया है पॉइंट जो पी है इसका विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर आर अल्फा होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। आप इसको भी प्योर रोलिंग की डेफिनेशन में डाल सकते हो, जैसे v इक्वल टू ओमेगा, और उसी तरह अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे दिया है तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर हम r अल्फा लिख सकते हैं प्योर रोलिंग। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर फ्रिक्शन स्टैटिक है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा प्योर रोलिंग में? कहाँ लगेगा अभी मैं बात ही नहीं कर रहा, आगे पीछे की कोई बात नहीं बेटा। एक्चुअल आंसर होता है ये जरूरत के हिसाब से लग लेता है, आगे हो चाहे पीछे हो। जैसे रियलिटी में ये आगे लगता है कार्स के केस में, तभी उसी से हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है, बट बेटा ये पीछे भी लगेगा बहुत जगह डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लोगे? स्टैटिक फ्रिक्शन है तो जीरो से म्यू इन टू एन के बीच में। अब एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बेटा, देखो अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन जितनी एनर्जी खाएगा उसकी रेट होगी पावर, बेटा पावर समझते हो ना, रेट ऑफ एनर्जी। तो उसकी जो पावर सिंपली एफ इंटू वी आएगा, पर वी तो जीरो है बेटा। और सिंपल भाषा में वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी जीरो इन प्योर रोलिंग, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। इवन फ्रिक्शन इज देयर, लेट अस से स्टैटिक फ्रिक्शन इज देयर, सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन आगे लग रहा है पीछे लग रहा है, लेकिन जब वेलोसिटी जीरो है तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल बी जीरो। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। बेटा आप मेरी बात समझना, जब मैं आपको बेसिक थ्योरी बना रहा हूँ ना, उसी में से क्वेश्चंस टूट टूट के आ जाएंगे। अब देखो ये है हमारी वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग इज जीरो, आप स्टेटमेंट फॉर्म में अच्छे से लिखना। अब इसका आउटपुट क्या हो सकता है? आप कभी एनर्जी बैलेंस लगा रहे हो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हो, तो हमेशा लगा सकते हो भाई, कहीं पे भी फ्रिक्शन से वर्क डन, फ्रिक्शन से कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा प्योर रोलिंग में। बाकी दोनों केसेस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने के चक्कर में आपको एनर्जी लॉस ऑफ फ्रिक्शन भी लेना पड़ेगा, बट इस केस में आप डायरेक्टली एनर्जी कंजर्व कर सकते हो प्योर रोलिंग में। मतलब जरा सोचो, लाइन इतनी छोटी सी है, बट अगर मैं बोलूं कि एक पहाड़ पे एक बॉल प्योर रोलिंग कर रही है, प्योर रोलिंग, जब तुम यहां से इसको यहां पहुंचाओगे ना, तो बच्चों की तरह इसकी एनर्जी कंजर्व कर सकते हो इस दो पॉइंट पे, कोई फ्रिक्शन से कोई लॉस नहीं हुआ। तो आपके लिए एक स्टेटमेंट है, बट आप अप्लाई इसको 50 जगह कर सकते हो। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जरूरत के हिसाब से बेटा। अब बेटा मैं चाहता हूँ आप यही सब डायग्राम्स को दोबारा देखो यहाँ पे। ये वही चीजें हैं बेटा जो मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को देखो बेटा। बेटा क्या आपको ये सब दिख रहा है? मुझे बता देना
ये सारे पॉइंट आपने समझ लिए? कोई भी पॉइंट पे डाउट है, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 किसी पे भी प्योरोलिंग के केस में? बेटा क्या तीनों पॉइंट मैंने आपको समझाए थे? क्या आपको समझ आए थे तीनों पॉइंट? देख लो बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैं बता नहीं सकता, जरूरत के हिसाब से लगेगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन। मैं जो केस लूंगा उससे मैं बोलूंगा हाँ इसमें आगे लग रहा है, इसमें पीछे लग रहा है। सर हाँ बेटा बोलो। थर्ड वाले में आपको एग्जांपल बता सकते हैं फ्रिक्शन? अच्छा थर्ड वाले, द टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो वाला जी मैकेनिक। सर। देखो एक सिंपल सी बात, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको ये केसेस कराऊंगा कि सपोज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मैंने एक बॉल को रोल करा दिया, प्योर रोलिंग हो रही है। जब वो नीचे आएगा तो मुझे पता है कि इस केस में नॉर्मल रिएक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है तो वर्क डन नहीं कर सकता। फ्रिक्शन अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन लगता है बेटा, इस केस में फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, बट कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी जीरो है। अब मुझे पता है टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेट अस से कि सेंटर ऑफ मास एच नीचे आ गया है। अगर सेंटर ऑफ मास एच नीचे आ गया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज एम जी एच, और यही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। और ये चीज मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ क्योंकि वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, वरना मुझे उसको भी पिक्चर में लाना पड़ता। क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? जनरली जी सर। क्या होता है, अगर फ्रिक्शन लगता है तो हम सोचते हैं कि जरूर ये एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कर करके। बेटा देखो हम लोग जब रोलिंग नहीं पड़ते हैं तो फ्रिक्शन कैसे लगता है? सपोज आप आगे जा रहे हो, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो इसका वर्क डन कैसे आता है? नेगेटिव। तो ये काइनेटिक एनर्जी को घटा देता है। लेकिन सर हाँ बेटा बोलो। सर ये इंक्लाइन प्लेन पे अगर वो बॉल की वेलोसिटी नहीं है तो वो आगे कैसे बढ़ा? बेटा मैं ऐसे समझाता हूँ, आप ना दोनों पिक्चर एक साथ लेके चलो, अभी थोड़ी देर में ये वाला केस करेंगे बेटा, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखो। ये एम जी साइन थीटा की वजह से चला, बात समझ आई बेटा? अगर मैं किसी बॉल को एक इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दूं, वो तुरंत एम जी साइन थीटा उसको नीचे लेके आना चाहेगा ऐसे। और बेटा देखो आपको अभी समझाया कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है तो पॉइंट के पास भी वही वेलोसिटी होती है, तो जैसे ही इसके पास भी वही वेलोसिटी, पीछे फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आई बेटा? अभी ओमेगा नहीं है इसके पास। अगर मैं एक बॉल को जस्ट छोड़ूं, अगर मैं एक बॉल को जस्ट छोड़ूं तो उसका ओमेगा जीरो है, लेकिन उस पर ये फोर्स तो लग रहा है ना बेटा, एम जी साइन थीटा, वो धीरे धीरे इसको ये वाली वेलोसिटी देगा। बात समझ पा रहे हो बेटा? तो फ्रिक्शन आना शुरू होता है और फ्रिक्शन फिर देता है टॉर्क घुमाने वाला ओमेगा। अगर आप सोच पाओ कि मैंने हल्का सा फ्रिक्शन दे दिया है, अब ये घुमाएगा इसको इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट, देखो फोर्स इंटू आर, टॉर्क लगा, और टॉर्क लगेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। बेटा थोड़ा सा समझ आया? अब प्लीज बेटा यस इनको नोट कर लो, दे आर वेरी वाइटल। जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं ना तो ये हमारे स्टेटमेंट फॉर्म में अगर हमारे दिमाग में रहते हैं तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। नोट कर लिया बेटा? अब ये पॉइंट मैं समझा देता हूँ बेटा। एक बात समझना कि जो सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कभी गलत नहीं होती है, बस अलग अलग कंडीशंस में उनका थोड़ा फॉर्म चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के लिए अगर एम मास है, वेलोसिटी वी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। बेटा ये एब्सोल्यूट डेफिनेशन, ये कभी चेंज नहीं होगी। फिर आप बोलोगे सर ये दो दो क्यों लिख रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे क्या आ गया, कोई बॉडी रोल कर रही है तो उसके डबल डबल काइनेटिक एनर्जी कैसे आ गई? बच्चा यही चीज सोचता रहता है, सर ये कैसे हो गया सर, क्या रोलिंग के लिए अलग काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन आती है? बट आंसर है ना। हाँ बेटा मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ आई विल सेंड एवरीथिंग। अब जरा देखो मैं ये कॉन्सेप्ट समझा दूं कि बेटा बच्चा यही सोचता रहता है कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो टाइम के साथ चीजें चेंज होती हैं। बेटा आंसर इज नो, टाइम के साथ चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, जस्ट ऑब्जर्व हियर। मैंने क्या किया, आपसे पूछा आज की क्लास की स्टार्टिंग में कि बेटा इस पी पॉइंट की वेलोसिटी क्या है,
तुमने बोली सर इसके पास तो दो दो वेलोसिटी है, एक ओमेगा आर है और एक सर वी है। अच्छा बेटा इस पॉइंट के पास क्या थी? तुमने बोला सर एक ओमेगा आर है और एक सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी वी है। तो बेटा तुम खुद बताओ, अगर मैं इस पॉइंट के मास को डीएम मानूं और इस पॉइंट के मास को डीएम मानूं और दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करूं तो मैं क्या करता यहाँ बताओ? इस वाली केस के लिए तो पहले मैं एक रिजल्टेंट निकालता, सपोज वी वन आता, और इस वाली केस में मैं आंसर देता हाफ डीएम इंटू वी वन स्क्वायर। इस वाले केस के लिए जब मैं निकालता तो मैं निकालता हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ वी प्लस ओमेगा आर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने बच्चों की तरह ऐड करके स्क्वायर कर दी। बेटा देखो अब तो तुम्हें समझ आ रहा है ना कि देयर शुड बी टू फैक्टर्स वी और ओमेगा आर, वी वन भी हमें इन दोनों के रिजल्टेंट से निकालना पड़ता। तो जब मैं सिर्फ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से आंसर दूंगा वो गलत होगा, वो हर पॉइंट के लिए सही नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा ट्रू है, बट ये वी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं होगा हमेशा, ये वी एब्सोल्यूट स्पीड होती है पार्टिकल की और वो हर पॉइंट के लिए अलग अलग है। तो जब मैं मैथमेटिकली इसी तरह सारी पार्टिकल्स को इंटीग्रेट करके निकालता हूँ तो मुझे एक जनरल फॉर्मूला मिल जाता है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? मैं अब किसी भी बॉडी का रोलिंग में अगर काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो मैं डायरेक्टली उसको जब बेटा ऐसे मैं सारे पॉइंट्स का जब इंटीग्रेशन करूंगा ना तो मुझे ये मिलता है हाफ मास ऑफ द टोटल बॉडी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस हाफ। बेटा प्लीज पे अटेंशन, आई आई किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, आई सेंट्रोइडल। कि सोचो यहां से कोई एक्सेस पास कर रही हो और आपने इसके अबाउट लिया, ये दोनों मिल जाके हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है हर एक पार्टिकल की अगर हम ऐड करें तो। बेटा क्या ये याद रहेगा आपको? टोटल काइनेटिक एनर्जी हम इतनी बोल देते हैं, पर बच्चे यहाँ पे मास ऑफ सिस्टम नहीं लिखते, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास नहीं लिखते, आई सेंट्रोइडल नहीं समझते, ओमेगा स्क्वायर ऐसे नहीं समझते हैं। अब इसको बेटा अच्छे से समझ लो क्योंकि मैं जब ये चीज को यूज करूंगा बार बार, टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? अब बेटा मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, अगर आप लोगों ने क्लास में अटेंशन पे करते हो तो मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी कि अगर कोई बॉडी घूम भी रही है और आगे भी बढ़ रही है तो किसी भी पॉइंट, कहीं पे भी पॉइंट ले लो, सपोज इस पॉइंट ओरिजिन मानता हूं और ये हमारा आर बनता है आर। तब मैंने बोला था एंगुलर मोमेंटम कंबाइंड जहां पे घूम भी रही हो, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, उसके लिए ऐसा आता था एम आर क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस आई ओमेगा सेंट्रोइडल इनटू ओमेगा, ये फॉर्मूला हो जाता है। बेटा उसका भी लॉजिक यही होता है, एक्चुअल फॉर्मूला यही रहता है एम आर वी। अगर मैं किसी पॉइंट टू पॉइंट निकालना चाहूंगा ना बेटा कि इस पॉइंट की कितनी है तो मुझे एम आर वी मिल जाएगी, लेकिन मैं जब हर एक पॉइंट को इंटीग्रेट करके देखता हूँ तो उसमें दो कंपोनेंट अपने आप आ जाते हैं हर पॉइंट की। बेटा आज ये तो सीखे ना कि हर पॉइंट की वेलोसिटी में दो फैक्टर आएंगे, एक वी सी ओ एम प्लस आर ओमेगा वाला फैक्टर। तो जब मैं ऐसे हर एक का डीएम डीएम मान के इंटीग्रेशन करूंगा ना, जोड़ूंगा ना, तो मुझे ये फॉर्मूला मिल जाता है कंबाइंड के लिए। बच्चे गलती कैसे करते हैं? वो ओवरऑल नहीं समझते हैं, वो कोई एक सेक्शन याद कर लेते हैं, आई ओमेगा हो गया सर, एम आर वी हो गया सर। बेटा एम आर वी इज ट्रू फॉर पॉइंट मास, वो गलत नहीं है, बट अगर एक बॉडी है तो उसके हर पॉइंट के पास दो दो वेलोसिटी है भाई, आर ओमेगा भी है, मतलब सॉरी हाँ आर ओमेगा भी है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी है। बेटा क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आया मैंने क्या बोला? आपने आज जब लेक्चर देखना स्टार्ट किया तो हमने देखा ना कि हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है, और बेटा इट इज वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड कि द डेफिनेशन वोंट चेंज। अगर आप 11th से 12th में जाओगे, फिर 12th से इंजीनियरिंग में जाओगे तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, आपको बस हर केस वाइज समझ आने लगता है,
अभी भी काइनेटिक एनर्जी वही है हाफ एम वी स्क्वायर, बट जब मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ तो वो उसका एक पार्ट है, जस्ट सेंटर ऑफ मास वाली, हाफ एम वी स्क्वायर, फिर वी इज सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। बेटा क्या यहाँ तक आपको समझ आ गया? आगे बढ़े बताओ। बेटा कोई पॉइंट दोबारा बोलना है तो बोल सकते हो बेटा। कोई पॉइंट पढ़ना है बेटा इसमें? ठीक है बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। लेकिन बेटा कहीं मोमेंटम वाला एक बार समझा देंगे। कौन सा वाला बेटा? एंगुलर मोमेंटम वाला। बच्चा मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, जैसे डेफिनेशन एक टीचर ने आपको लिखाई कि एम आर क्रॉस वी, ठीक है बेटा, इसी पॉइंट मास के लिए एंगुलर मोमेंटम इतना होता है। और टीचर ऐसे बोलेगा कि सपोज एक ओरिजिन है, एक पॉइंट मास एम ऐसी वेलोसिटी से जा रहा है या कोई भी वेलोसिटी से, ये वी वेलोसिटी है और ये आर वेक्टर है, तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन करते हैं। लेट अस से कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ निकालो, अबाउट ओ, अबाउट ओरिजिन या जो भी आपको बोले क्वेश्चन में, तो उसका फॉर्मूला आ जाता है एम आर क्रॉस वी। अब बच्चा जब हम लोग रोलिंग वाला केस लेते हैं, रोलिंग वाला केस, ये हमेशा ट्रू है बेटा, हमेशा ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। जब मैं रोलिंग वाला केस लेता हूँ तो मैं जब किसी भी पॉइंट को देख रहा हूँ, सपोज मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ, मैं क्या देखूंगा? हमेशा इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? आगे की तरफ कितनी होगी बेटा? वी। और पीछे की तरफ कितनी होगी? आर ओमेगा। तो जो बड़ा होगा, सपोज वी बड़ा है, तो मैं बोल देता कि सर इस तरफ है वी माइनस आर ओमेगा। बेटा इस पॉइंट ओ के अबाउट मैं आर लेता तो मुझे आर ऐसे मिलता, तो मैं देख लेता कि सर आर क्रॉस वी तो मुझे जीरो मिल रहा है, तो मैं बोलता इस लोएस्ट पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम जीरो है। लेकिन बेटा जब मैं यहाँ देखता तब मैं बोलता कि सर मेरा आर ये होना चाहिए इस पॉइंट के लिए, और तब मैं बोला वेलोसिटी बताता सर वी प्लस ओमेगा आर। बेटा ऐसे ही मैं हर एक पॉइंट के लिए जब निकालूंगा तो मुझे वी सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा आर अलग अलग, बेटा हर जैसे यहाँ पे लूंगा तो आर कुछ आर बाई टू मिल सकता है, जब मैं एक्सट्रीम एंड पे लूंगा तो मुझे कैपिटल आर मिलेगा। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है कि हर पॉइंट के लिए हमारा रेडियस भी अलग अलग होगा और हर पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वी और ओमेगा आर का। लेकिन जब मैं उन सारी चीजों को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे ये फॉर्मूला मिलता है। आपको मेरी बात समझ आई बेटा? जी सर। अब बच्चे क्या करते हैं नादानी, वो कई बार वो ये नहीं देखते कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कई बार में बोलेगा कि इसके अबाउट निकालो, ओरिजिन यहाँ ले लेगा, तब तुम्हारा यही फॉर्मूला आर की जगह रेडियस आ जाएगा। देखो बेटा अगर मैं ओ के अबाउट निकालूंगा तो आर यहाँ पे क्या बना, आर हमने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा बताओ? ओरिजिन से दूरी, सेंटर ऑफ मास की। जब बच्चे नोट्स बनाते हैं तो वो टीचर जो बोल रहा है और या जहाँ एम्फेसिस कर रहा है उस पॉइंट को लिखते नहीं है, या ऐसे सोचते हैं कि हमें बाद में भी हमारी रिटेंटिविटी उतनी रहेगी। मैंने आर वेक्टर क्या बनाया है? जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है उससे दूरी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, अगर क्वेश्चन में ओ यहाँ दिया है तो दिस स्मॉल आर विल बिकम रेडियस ऑफ द डिस्क और स्फीयर। आपको मेरी बात समझ आई बेटा? तब आपके एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा एम आर क्रॉस वी प्लस आई ओमेगा। आई हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रहेगा, आई इसके अबाउट निकालना, v हमेशा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लेना। क्या बेटा मैं आगे बढूं? यस सर। चलो बेटा एक केस करते हैं। वैसे आई होप बेटा आप लोगों ने ये वाला पॉइंट समझ लिया हो कि इसमें दो फैक्टर रहते हैं, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों को मिला के हम कहते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा प्योर रोलिंग वाला केस में कैसे याद कर लोगे बेटा बताओ? प्योर रोलिंग में क्या होता है? v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। देख लो बेटा प्योर रोलिंग स्पेशल केस है, सारे केसेस में आपको सबसे ज्यादा प्योर रोलिंग ही पढ़ना है। अगर मैं v इक्वल टू ओमेगा आर पुट कर दूं तो मुझे जैसे ही मैं पुट करूंगा ये वाला टर्म, तो देखो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है तो इस फॉर्म में मैं याद कर लूंगा, ठीक है।
देख पा रहे हो बेटा? देख लो बेटा, याद रख लेना जी सर कि प्योर रोलिंग में हमें v इक्वल टू ओमेगा आर होती है, तो ये सब चीजें हमारे लिए क्रिटिकल हो जाएंगी। बेटा थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं एक बच्चों वाला न्यूमेरिकल समझा देना चाहता हूँ, सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो रोटेशन इज ए सेट ऑफ 50-60 कॉन्सेप्ट विच आर इंटररिलेटेड। आपको हर एक कॉन्सेप्ट को एक या दो बार न्यूमेरिकल फॉर्म में करना पड़ेगा। जैसे मैं तुमको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता इसके लिए तुम थोड़ा भी परेशान रहो। ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, रेडियस ऑफ गायरेशन। आप चाहो तो इसके लिए बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, चाहो तो आप इसको जिंदगी भर बच्चों की तरह सॉल्व कर सकते हो। ये सबसे सिंपल केस है। सपोज बेटा आप लोगों ने सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाला था बेटा बताओ? अगर मैं सॉलिड स्फीयर में यहां से लाइन पास करूं सेंट्रोइडल से, तो मेरे आई की वैल्यू आ गई थी 2/5 mr स्क्वायर। बेटा किसी को याद है? सॉलिड स्फीयर नहीं, डिस्क याद हो, कुछ भी याद हो आपको। सपोज आप डिस्क में यहां से पास करते हो, तो हमारे आई की वैल्यू कितनी थी? अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस फिगर का ऐसा वर्जन दिखाओ कि जहां पे ये सॉलिड स्फीयर ना हो, एक्सिस से दूरी पे एक पॉइंट मास हो, तो ये रेडियस क्या आएगा? इसका नाम मैं के रखूंगा, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अब बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के? बेटा पॉइंट मास का फॉर्मूला क्या था ये बताओ जरा, एम आर स्क्वायर एम के स्क्वायर आया। बेटा आई के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एम आर स्क्वायर था फॉर्मूला। तो अगर मैं हर एक चीज को ऐसे देखना चाहूं कि वो पॉइंट मास है एंड उसकी जो एक्सिस से दूरी है वो के है, देन के विल बी कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। अब बताओ सॉलिड स्फीयर वाले केस में हम कैसे लिख देते हैं? एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। एम एम कट गया, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना आ गया 2/5, या के कितना आ गया बेटा आपका बताओ, रूट 2/5 आर। क्या यहां तक तुम लोग को ये दोनों टर्म लिखने का तरीका समझ आ रहा है? देख लो बेटा, और अब बताओ इसमें कोई बच्चा कैसे अटक सकता है? मैं अगर डिस्क के लिए पूछूंगा तो आप क्या कर दोगे? एम के स्क्वायर खत्म। अरे आप सीधे कुछ भी भूल गए, आप सीधे समझ लो रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के एम के स्क्वायर के इक्वेट कर दो, तो आपको के तुरंत मिल जाएगा बेटा। एम एम तो कटना ही है हमेशा, देख लो। और भाई तो आप अलग अलग केसेस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना, इट्स ऑल अबाउट कि आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। बेटा देखो के एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी है, और एक सिंपल सी बात समझो, मैं आपसे बोल रहा हूं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और एम के स्क्वायर की इक्वेट करो, एम एम अपने आप कट जाएगा, के आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे सोचना है कि ये एक सॉलिड स्फीयर नहीं है, ये एक डिस्क नहीं है, एक पॉइंट मास है जो के दूरी पे है एक्सिस से, तो आपको तुरंत के निकालना है, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। आप कुल मिला के इतना समझ जाओ कि ये आपसे ऐसे पूछना चाह रहा है कि अगर मैं इस बॉडी को रिप्लेस करके एक पॉइंट मास रख दूं तो उसकी दूरी कितनी होगी एक्सिस। बेटा आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए? बेटा एनसीईआरटी में से 3 लाइन का लिखा है, एससी वर्मा में भी 4 लाइन में बताया है, क्योंकि इसकी कोई वेटेज नहीं है। आपको दिमाग क्या लगवाएगा कि वो पैरेलल एक्सिस से पहले मोमेंट ऑफ, बेटा दिमाग इसमें लगता है कि आई निकालो, उसके बाद एम के स्क्वायर में इक्वेट करने में क्या दिमाग लग रहा है? एम एम तो कट ही जाता है हर बार, के स्क्वायर के आ जाएगा, दिमाग इसमें लगेगा कि बोलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, के में कोई दिमाग नहीं लगता है। इसलिए इसको कई बार टीचर सिर्फ इतना लिख देंगे आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, तुम आई निकालना सीखो हर केस में, कैसे तो सब इक्वेट कर लेंगे। बेटा ये बात समझ आ गई? अब बेटा देखो एक चीज होती है ना जी, टीचर का कॉन्सेप्ट और एक होता है बच्चे की मेहनत, दोनों मिक्स होनी चाहिए। बेटा इसका कोई खास मतलब नहीं है, इसका मतलब मैं अभी चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम ये सारे टर्म देखो, सपोज मैंने तुमसे बोला डिस्क, तुम सुनना बेटा सुनना, मैं किस किस चीज को डाउन द इंक्लाइंड या किसी प्लेन सरफेस पे रोल करा सकता हूँ, डिस्क करा सकता हूँ,
सॉलिड फेयर ले सकता हूँ मैं, और किस चीज को ले सकता हूँ बेटा बताओ जो रोल कर सकता है? देखो बेटा मैं सिलेंडर ले सकता हूँ, बट वो कहीं ना कहीं वैसा हो जाएगा, मतलब आप सिलेंडर ले लो चाहे डिस्क ले लो बेटा बात बराबर है, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क की इक्वेशन एक ही आएंगी। तो आप अगर सपोज आपने ये ले लिया, रिंग ले लिया, या आपने हॉलो फेयर लिया, अब मैं आपसे बोलता हूँ मुझे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर एक टेबल बना के रखना, ये सारा काम का है बेटा। बेटा देखो बहुत ईजी है, डिस्क के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, और अगर मैं उसको एम के स्क्वायर के इक्वेट करूंगा तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2। बेटा आपको ये बात समझ आ गई? और आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर 2 मिल जाएगा, बस कोई एक निकाल लो दूसरे वाले को उल्टा। बेटा सॉलिड स्फीयर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर इंटू 2/5 और ये एम के स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5। रिंग के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, एम के स्क्वायर के करोगे तो 1 आ जाएगी। हॉलो स्फीयर में 2/3 होता है। बेटा एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, प्लीज इसको जल्दी से समझ के याद कर लो। एमएम कट गया, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/3 आ गया। अब बोलोगे सर इसकी ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इम्पोर्टेंट हो गया? अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे बेटा कि आप इसकी डायरेक्ट इसके एप्लीकेशन से बता सकते हो। अगर आपको ये फैक्टर समझ आता है ना ये कितना है, तो आप तुरंत ऐसे आंसर दे पाओगे, अच्छा सर मैं डिस्क को रोल कराऊं तो उसकी वेलोसिटी जल्दी बढ़ेगी या सॉलिड स्फीयर की जल्दी बढ़ेगी अगर सेम हाइट से ड्रॉप करा दूं तो इंक्लाइन प्लेन पे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हार्ड नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। बेटे क्या ये कॉन्सेप्ट लिख लिया आप लोगों ने, समझ लिया? आगे बढ़े इसमें। मैं आपको एक केस कराना चाहता था, करें बेटा? मैं एक ऐसा केस चाहता हूं जिसमें आप लोग दोनों इक्वेशंस एक साथ लगाओ, कौन कौन सी, रोलिंग की भी मतलब रोटेशन की भी और ट्रांसलेशन की भी। बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, ऐसे लेट अस से क्वेश्चन की हेडिंग है, ये इंपॉर्टेंट केस होता है बेटा, टाइम टू स्टार्ट प्योर रोलिंग। इसका मतलब बताता हूँ, सपोज एक बच्चे ने क्रिकेट खेलते हुए बहुत बढ़िया शॉट मारा बैट से, जब बॉल बैट के कांटेक्ट से निकली तो जमीन पे जाने से पहले उसके पास सिर्फ वी था, क्या ये बात आपको समझ आ गई बेटा? टी इक्वल टू जीरो पे ऐसी पिक्चर है, क्लियर हुआ? देख लो बेटा, बैट से बॉल निकलने के बाद जमीन पे रोल करने वाली है, और जमीन पे रोल करने से जस्ट पहले उसके पास सिर्फ वी नॉट थी, ओमेगा नॉट जीरो थी, इनिशियल एंगुलर स्पीड जीरो है, कोई घूम नहीं रही है बेटा। क्या बेटा हम इसके बाद ये सोचते हैं कि होता क्या है? चलो देखते हैं। मारा, हम क्या चाहते हैं, कभी तो वो दिन आएगा फ्यूचर में कि जब ये, देखो इस केस में स्लाइडिंग हो रही होगी, स्टार्टिंग में सोचो स्लाइड कर रहा होगा, एक टाइम ऐसा कभी तो आएगा जब ओमेगा और वी बोलेंगे हम दोस्त हैं, वी इक्वल टू ओमेगा टाइप के, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन वही है, कब होगी ये, कब स्टार्ट होगी प्योर रोलिंग? बेटा आपको ये लाइन समझ आ गई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपने बैट से एक बॉल को मारा, इन आफ्टर हाउ मच टाइम द मोशन विल बी लाइक, आपको वैसे दिखेगी गोल गोल भी एग्जैक्ट घूम रहा है और आगे भी बढ़ रही है। बेटा इस वाले केस में आपको सिर्फ स्लाइड दिखेगा, ओमेगा जीरो दिखेगा टी इक्वल टू जीरो पे। तो बेटा इसको कैसे करते हैं, हमेशा एफबीडी बनाओ। एक बच्चा ऐसे आया बोला सर एफबीडी बनाते हैं, सर सर एमजी, सर नॉर्मल रिएक्शन। सर बेटा बताओ टी इक्वल टू जीरो पे ओमेगा जीरो है ना, तो सिर्फ वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बेटा बताओ? फ्रिक्शन पीछे लगा। ये है स्टार्टिंग का एफपीडी,
जैसे ही बॉल जमीन को टच करेगी कुछ इस तरह का होने लगेगा। अब बताओ इस केस में स्टार्टिंग में फ्रिक्शन का नेचर क्या होगा, स्टैटिक या डायनेमिक? तुम्हें आज ही पढ़ाया बेटा, बताओ फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा, स्टैटिक या डायनेमिक? सर डायनेमिक। बेटा ये इसके ऊपर स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन डायनेमिक ही होगा। अब बताओ अगर फ्रिक्शन डायनेमिक है तो बच्चों की तरह इसकी वैल्यू क्या लोगे, मी इनटू एन, एन क्या है एमजी, तो मी इनटू एमजी। अब अगर तुम इस बॉडी के मोशन को दो तरीके से पढ़ पाओ कि सर घुमा कैसे रहा है, लेट अस से कि तुम दो तरीके से सोचने लायक बन गए, एक वाला ट्रांसलेशन पार्ट और एक बेटा रोटेशन वाला पार्ट, तब हमें टोटल इफेक्ट पता लगेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि सर अगर मैं सेंटर पे खड़ा होकर देखूं तो नॉर्मल रिएक्शन और एमजी वहीं से पास कर जा रहे हैं, तो सिर्फ फ्रिक्शन घुमा पाएगा। और फ्रिक्शन को आप ऐसे सोचो कि सर फ्रिक्शन लगा एफ और ये रेडियस है आर। अब बताओ ये टॉर्क कितना देगा, फोर्स कितना है बेटा इस पे, मतलब एफ फ्रिक्शन है और ये आर परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन सिंपली एफ इंटू आर आ जाएगा। एफ की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, म्यू एम जी इंटू आर हमारा टॉर्क लगा। और बेटा नेट टॉर्क कितना होगा, बेटा देखो जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तब हमारे लिए पिक्चर ऐसी होती, वी नॉट इधर लग रहा है और फ्रिक्शन इकलौता फोर्स पीछे लग रहा है, एम जी और एन अलग एक्सिस में है, इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। अब मैं देखता हूँ कि कुल मिला के बॉडी वी नॉट से जा रही है और सिंस फ्रिक्शन लग रहा है माइनस म्यू एम जी, तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन पीछे हो रहा है माइनस म्यू जी फोर्स बाई मास, ये एक्सेलरेशन हुआ। बेटा एफ एक टर्निंग इफेक्ट देगा ओमेगा और फ्रिक्शन लगता रहेगा बेटा जब तक टॉर्क लगता है, तब तक जब तक टॉर्क लगता है तब तक तुम्हारा ओमेगा बढ़ता रहेगा। पहले ओमेगा कितना था, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व कि हुआ क्या, इस फ्रिक्शन की मदद से ये ओमेगा नॉट जीरो से बढ़ के एक फाइनल ओमेगा तक आ गया जब ये इसके बराबर हो गया वी इक्वल टू ओमेगा आर फॉर्म में, और वेलोसिटी घटी V नॉट से वो V हो गई, ट्रांसलेटरी मोशन ऐसे हुआ, वेलोसिटी घटी, ओमेगा नॉट जीरो था वो फाइनली ओमेगा हो गया बढ़ के, क्योंकि इसको टॉर्क मिल रहा है और इसको फ्रिक्शन नेगेटिव मिल रहा है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा, और ये दोनों काम एक ही टाइम में हुआ T टाइम में, वही टाइम मुझे निकालना है टाइम टू स्टार्ट प्योर रोलिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई वेलोसिटी तो वी नॉट से वी हो गए, हाँ तो बेटा आप बताओ एक्सेलेरेशन हमारा कितना है माइनस म्यू जी, तो मैं ऐसे लिखता वी इक्वल टू बेटा वी इक्वल टू यू प्लस एटी, क्योंकि एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट है, यू कितना है वी नॉट और ए कितना है बेटा माइनस म्यू जी इंटू टी, ये पहली इक्वेशन बनी ट्रांसलेशन से। अगर मैं ओमेगा वाला टर्म देखूं तो मैं से बोलूंगा फाइनल ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, रोटेशनल इक्वेशन ये बनेगी बेटा। अब मुझे पता है ओमेगा नॉट इनिशियली जीरो था इस केस में, तो ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी, अल्फा हम कैसे निकालते हैं बेटा, देखो बेटा हम सारे टॉर्क के सम को आई अल्फा कहते हैं। अब अगर मैं इस बॉडी को कुछ भी लूं बेटा, अभी मुझे नहीं पता मैं इस बॉडी को क्या लूंगा, डिस्क ले सकते हो, रिंग ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो एक समझदार आदमी आई की जगह क्या पुट करेगा, एम के स्क्वायर, आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लिक करेगा, वाई की जगह एम के स्क्वायर भरेगा। तो अब देखो एम एम कट गया, हमारा अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू जी आर, एम तो कट चुका है बेटा, अल्फा विल बिकम म्यू जी आर, हाँ बेटा यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा, देख लो, और ये अल्फा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये फ्रिक्शन इस ओमेगा को बढ़ा रहा है, तो एंगुलर स्पीड बढ़ाने वाला एक्सेलरेशन होगा। अब मेरे को अल्फा मिल गया बेटा, मैं आगे बढ़ता हूँ, अच्छा सुनो के स्क्वायर नीचे लाने दो, हाँ सॉरी के स्क्वायर हमने नीचे लेते आया, अब मुझे अल्फा मिला
मैं यहाँ पुट करूंगा, ओमेगा नॉट तो है नहीं, अल्फा की जगह लिखूंगा म्यू जी आर बाई के स्क्वायर इंटू टी। अभी भी बेटा पूरा बात नहीं बनी, क्यों? मुझे इन दोनों को कहाँ तक पहुंचाना है? ओमेगा बढ़ के यहाँ तक हो गया, देखो टाइम के साथ ओमेगा बढ़ रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है, बट हमें किस मुकाम पे पहुंचना है जब v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाए? तो मुझे इस वाले फर्स्ट को और इस वाले सेकंड को इक्वेट करना है किस फॉर्म में, v इक्वल टू ओमेगा आर फॉर्म में। तो मैंने ऐसे लिखा v नॉट माइनस म्यूजीटी मस्ट बी इक्वल टू आर ओमेगा, यानी आर इंटू ओमेगा, और मेरा ओमेगा उस फॉर्म पे है म्यू जी आर बाई के स्क्वायर इंटू टी, म्यू जी आर बाई के स्क्वायर इंटू टी। अब बेटा क्या तुम टी निकाल लोगे कि, और तुमको दिख रहा है कि आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर पिक्चर में है? देख लो बेटा, हो सकता है तुम ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दियो कि सर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो म्यू जी इंटू टी तो कॉमन आ गया, देखो, और यहाँ पे क्या मिला, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस वन। बेटा क्या आप बात समझ गए कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एक अच्छा टर्म है जो हमें समझ आना चाहिए हर बॉडी के लिए? अब देखो यही केस वो नीट में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में ऐसे पूछता है कि एक डिस्क है। बेटा आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहा है, मतलब ये डेटा समझ आ गया? अगर साथ साथ कर रहे हो तो आएगा, नहीं साथ साथ कर रहे हो तो दिक्कत होगी। अब यही क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में आएगा तो तुम बताना बेटा सारे केसेस मैच करेंगे कि नहीं। अगर तुम क्लास में अटेंटिव हो तो यही वो पूछेगा कि एक डिस्क है और एक रिंग है, अगर सारी कंडीशन सेम है तो किसको टाइम ज्यादा लगेगा प्योर रोलिंग के लिए, बताओ? आपको टाइम टू स्टार्ट प्योर रोलिंग, देखो आप कैसे बोल दिया कि ये भी वी से फेंक दिया गया, ये भी वी से फेंक दिया गया, किसमें प्योर रोलिंग जल्दी होगी या लेट होगी, बताओ जरा। बेटा मैंने टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा फॉर्मूला पुट किया है, आई की जगह मैंने एम के स्क्वायर पुट किया है, अल्फा अल्फा है और हमारा टॉर्क था फ्रिक्शन, यानी म्यू एम जी इंटू आर, एम एम मैंने काट दिया तो बचा म्यू जी आर इक्वल टू के स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा आ गया म्यू जी आर बाई के स्क्वायर। तो आप लोग समझ गए बेटा, मुझे आंसर आ रहे हैं, तो आप लोग ये लॉजिक समझ गए कि सर आपने हमें बोला था कि हम ये टेबल सोच लें कैसे बनेगी। एक डिस्क को जब देखते हो तो 1 बाई टू आता है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर कितना होगा बेटा, 2 होगा, और रिंग के लिए क्या रहेगा, 1। तो अब बताओ मुझे, जब तुम्हें आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर समझ आ गया, डिस्क वाले केस में ये आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर 2 है और इस वाले में 1 है, तुम बताओ बेटा जब मैं यहाँ 2 पुट करूंगा v नॉट बाई म्यू जी तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो जब मैं डिस्क वाला केस लेता हूँ तो ये नंबर ज्यादा बड़ा आता है तो टाइम कम आएगा। तो जो बच्चा समझदार होता, हाँ गुड बेटा, तो आप बेटा यही हो जाता है कि देखो एक बच्चा जो सही में अभी दिमाग खोल के बैठा होगा उसको समझ आएगा कि सर ने सारे केस करा दिए, डिस्क वाला, रिंग वाला, ऑर्डर सेट करने का क्वेश्चन आ गया कि ये चार ऑब्जेक्ट दे रहा हूं, आपको बोलेगा होलोस्फेयर है, किसमें प्योर रोलिंग जल्दी स्टार्ट होगी। तो बेटा तब जो बच्चा भी पूरा सुन रहा है उसको समझ आया कि सारे केस हो गए, आपको मेरी बात समझ आई? एक बच्चा वो भी होता है जो बोलता है सर अब बताओ डिस्क के लिए कितनी होगी, देखो कोई टीचर ऐसे भी होंगे आपको ऐसे पढ़ा देंगे एक एक केस लेके कि चलो डिस्क के लिए निकालते हैं। बेटा मैं क्यों निकलवाऊं, मैं के की वैल्यू नहीं पुट कर दूंगा बार बार, आपका 5 बार टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं आपसे वो काम कराऊं कि चलो डिस्क के लिए निकालिए, जनरल फॉर्मूला बना दो, अब इससे करते रहो क्वेश्चन। मैं आपको ये ना क्यों ना सिखाऊं कि रेडियस ऑफ गायरेशन की इंपॉर्टेंस होती है, आपको इस फॉर्म को याद करना पड़ेगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, या दिमाग में निकालना पड़ेगा।
बेटा अगर मैं यही केस ऐसे देता तो आप लोग करके दिखाओ, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आना लगा। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को बहुत कस के घुमा के छोड़ दूं, ऐसे ओमेगा नॉट है, टाइम टू स्टार्ट प्योर रोलिंग। अब बताओ फ्रिक्शन कहां लगेगा स्टार्टिंग में? अगर आप लोग समझ पाओ तो बेटा इस केस में अगर मैं किसी को घुमा के ऐसे छोड़ दूं तो तुरंत फ्रिक्शन। गुड बेटा, इस केस में जैसे ही मैं छड़ा इसको छोड़ूंगा तो सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, जो है ओमेगा आर है, न्यू ओमेगा नॉट आर, और वी सेंटर ऑफ मास जीरो है। तो जैसे ही मैं देखूंगा मुझे तुरंत चमकेगा सर फ्रिक्शन आगे लगेगा। अब वो फ्रिक्शन क्या करेगा, तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी को उल्टा टॉर्क लगा के कम करेगा, ओमेगा नॉट डिक्रीज होगा, और इस फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो पहले जीरो थी, यानी वी नॉट जिसकी वैल्यू जीरो थी, अब वो बढ़ेगी क्योंकि वो फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक बच्चा क्या करता, फिर से उसी चीज की ऐसे बनाता कि सर ये हमारा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में लिखता सर फ्रिक्शन आता म्यू एम जी और वो देता एम ए, तो एक्सेलरेशन आ जाता बेटा म्यू जी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो होगी इनिशियल वेलोसिटी जो जीरो दी थी प्लस ए टी, यानी म्यू जी टी। और बेटा देखो रट्टा मत मारना, ये दोनों केस अलग अलग हैं, पहला वाला और दूसरा वाला, तो आप समझ के निकालो बेटर है। अगर आप टॉर्क की भाषा में देखते तो फोर्स ऐसा लग रहा है वो ओमेगा के उल्टा लग रहा है, ओमेगा नॉट ऐसे है और जो फोर्स से जो टॉर्क पैदा होगा वो उसको कैंसिल करना चाहेगा। तो मैं ऐसे मैं फ्रिक्शन को लिख दूंगा म्यू एम जी इंटू आर, जब करूंगा तो मुझे मिलेगा टॉर्क। टॉर्क होता है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे इस मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूँ, म्यू एम जी इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। बेटा देखो आई, आई को मैं आई रहने दे रहा हूँ, बाद में एम के स्क्वायर पुट कर लेना आप लोग चाहो तो, या अभी कर लो आई इंटू अल्फा। मैं जैसे देख रहा हूँ मेरा एम के स्क्वायर मैंने पुट कर दिया, एम एम कट गया, मैं फिर उसी पोजिशन पे आ गया, बस माइनस साइन रहेगा, माइनस म्यू जी आर बाई के स्क्वायर। मेरा अल्फा इस बार फ्रिक्शन का जो टॉर्क है उससे जो अल्फा आएगा वो माइनस टाइप का होगा ओमेगा नॉट के रिस्पेक्ट में। तो बेटा इस बार मेरा ओमेगा फाइनल की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, यानी माइनस म्यू जी आर बाई के स्क्वायर इंटू टी। अब मैं इसको जीरो जब पुट कर रहा हूं तो मेरे को फाइनली क्या पुट करना है, वी इक्वल टू ओमेगा आर, यानी मैं दोनों तरफ ऐसे लिखूंगा v इक्वल लिखूंगा म्यू जी टी इक्वल टू ओमेगा आर। अगर प्योर रोलिंग टू सेटिस्फाई प्योर रोलिंग, हमारा दिमाग चलना चाहिए कि v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। यहाँ पे v म्यू जी टी था, ओमेगा आर के लिए इसको r से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ऐसे दिख जाता ओमेगा नॉट इंटू आर माइनस म्यू जी आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर इंटू टी। अब बेटा इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके आप टी निकाल लेते, बेटा आपको समझ आ गया? बेटा प्लीज कॉपी पेन साथ में चलाया करो, अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर लिख के भेजते हो तो। बेटा अब अगले केस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, प्लीज बेटा ये वाला केस पढ़ के आना, हम लोग डाउन द इंक्लाइन वाले सारे केस करेंगे कि अगर मैं किसी भी रोलिंग ऑब्जेक्ट को नीचे ऐसे छोड़ दूं तो उसका मोशन कैसे होता है। बेटा एनसीईआरटी में अलग से एक टॉपिक है ये, तो ये एग्जाम में काफी ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका बेसिक आज पढ़े हो तुम। अगर ये केस समझने हैं तो आज की पीडीएफ को तीन चार बार पढ़ लेना तो ही समझ आएगा। बेटा क्लियर हुआ? ठीक है बेटा,
किसी बच्चे को कोई डाउट पूछना है बेटा अभी, अब तक जो पढ़ाया गया उसमें कोई पॉइंट में क्लिक नहीं किया हो? मैं चैट पे देख ले रहा हूँ, चैट पे तो कोई डाउट नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, फिर मैं क्लास क्लोज करता हूँ विद ए होप। मैं आपके साथ ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा प्लस ये PDF तुरंत। हाँ बेटा बोलो। हाँ क्या डाउट है बेटा बताओ। सर जो गायरेशन की बेसिक डेफिनेशन होती है वो मुझे थोड़ी सर क्लिक नहीं की, क्या था? बेटा देखो, अगर मैं तुमसे सिंपली बोल रहा हूँ बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, जो भी निकालोगे तुम पैरेलेक्सिस थ्योरम या तुम्हें याद हो उसको बस एम के स्क्वायर के इक्वेट कर दो, तो जो के आएगा ना वो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। या सिंपली इतना सोचो कि अगर एक बॉडी है, तुमने बड़ी मुश्किल से इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, पर एक बंदा ऐसे चाहता है कि अच्छा अगर ये पॉइंट मास होती तो ये दूरी कितनी होती, समझ गए? तुमको उसका सिर्फ ये एक, और बेटा इसका फायदा क्या है ना, अगर हम एम के स्क्वायर के टर्म्स में करते हैं तो हम जनरलाइज कर सकते हैं फॉर्मूला को। आपको मेरी बात समझ आई बेटा? अगर यस सर। तुम कोई, बेटा देखो तुमको बंदा की कोई तो सिस्टम बनाएगा नहीं ना बेटा, ये भी तो एक सिस्टम था जिसका तुम लोगों ने निकाला था, याद आया इस पॉइंट के अबाउट? हम लोगों ने ये वाला केस भी किया था, याद है? हमने वो सात वाले भी किए थे। तो क्या तुम हर एक केस के लिए अलग अलग रूलिंग निकालोगे? नहीं ना, हम लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, देखो जानबूझ के जनरल फॉर्मुलों में, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर वाले फॉर्मुले में, और फिर बस अगर तुम कोई बॉडी बदलते जाओगे तो मैं पूछूंगा के कितना है बताओ जरा। बात समझे? यस सर। ठीक है बेटा, मैं क्लोज करता हूँ। आप लोग कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना।